और अब शुरुआत करेंगे पांच का पंच की। अलग अलग राज्यों में कांग्रेस में फूट आम बात हो गई है। राजनीतिक गलियारों में कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेस को झटके दे रहे हैं। अब जैसे पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर में आपसी कलह के बाद कैप्टन अमरिंदर ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया था और इसका खामियाजा उन्हें विधानसभा चुनाव में भी भुगतना पड़ा। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कांग्रेस में दिग्गज नेता थे, लेकिन अब बीजेपी की सरकार में वो केंद्रीय मंत्री हैं। जितिन प्रसाद भी कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, लेकिन अब बीजेपी में हैं। अब यूपी कैबिनेट में वो मंत्री। वहीं हरियाणा कांग्रेस में भी आपसी कलह के बाद पहले अशोक तंवर ने अलविदा कहा और अब कुलदीप बिश्नोई ने भी कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया है। लेकिन कुलदीप बिश्नोई का अगला कदम क्या होगा, वो आप इस रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा कांग्रेस में अंदरूनी कलह तो लगातार जारी है। कभी हुड्डा और अशोक तंवर में, कभी शैलजा और हुड्डा में, तो अब हुड्डा और कुलदीप बिश्नोई में। अशोक तंवर और हुड्डा की आपसी कलह के बाद अशोक तंवर ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया था और अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष न बनाए जाने और राहुल से मुलाकात न होने के बाद से नाराज चल रहे कुलदीप बिश्नोई ने भी कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया है। कुलदीप बिश्नोई हरियाणा में एक बड़ा चेहरा है। कुलदीप बिश्नोई हरियाणा के पूर्व सीएम भजन लाल के बेटे हैं। हरियाणा कांग्रेस के बागी नेता कुलदीप बिश्नोई ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। वे 4 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को अपना इस्तीफा सौंपा है। इस दौरान पूर्व विधायक रेणुका बिश्नोई, डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा, भाजपा विधायक दुडाराम और लक्ष्मण नापा मौजूद रहे। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि मनमुटाव परिवार में भी हो जाते हैं, मनमुटाव दुश्मनी में नहीं बदलने चाहिए। कांग्रेस आदमपुर से चुनाव जीत कर दिखाए, मैं चुनाव हारा तो राजनीति छोड़ दूंगा, बीजेपी में कार्यकर्ता के तौर पर ज्वाइन करूंगा। देखिए, मेरी रिजाइन की वजह तो मैं डिटेल में कल ही बता पाऊंगा जिससे ज्वाइनिंग है, लेकिन मैं जो जन भावना थी, जो मेरे कार्यकर्ता हरियाणा और राजस्थान के थे उनकी भावना थी और जो मेरी व्यक्तिगत भावना भी थी कि कांग्रेस पार्टी है वो इंदिरा जी और राजीव जी की पार्टी नहीं रही और भारतीय जनता पार्टी जिसको मैं कल ज्वाइन करने वाला हूँ, मैं समझता हूँ वो देश हित में सोचती है। नरेंद्र मोदी जी के जो कार्यशैली है, मैं समझता हूँ सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्रियों में से हो तो गलत नहीं होगा। और हरियाणा में विशेष तौर पर आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी के जो काम करने का उनका तरीका या जो उनकी सोच हरियाणा को नई उन्नत तक ले जाने की, उससे प्रभावित होके मैं इस्तीफा दे रहा हूँ कांग्रेस पार्टी से। और मैं स्पीकर साहब से भी अनुरोध करूँगा कि मेरा इस्तीफा जरूर मंजूर करें और जो इस्तीफे की लैंग्वेज है, जो विधानसभा की ऑफिशियल लैंग्वेज, लीगल लैंग्वेज है, उसको देख के मैंने लिखा। और क्योंकि मैं इसमें तजुर्बा भी कह सकता हूँ, मैंने जब लोकसभा का सांसद बना हिसार से, तो मैं दूसरी बार इस्तीफा दे रहा हूँ विधानसभा से, तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी जो है एब्सोल्युटली करेक्ट लैंग्वेज से दिया। वो तो बीजेपी के साथी बता पाएंगे, लेकिन मनोहर लाल खट्टर जी मुझे आशीर्वाद देने जरूर आ रहे हैं, उनके अलावा कौन आ रहा है इसका मुझे अभी पता नहीं। कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे के बाद हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये कोई प्रक्रिया में बहुत ज्यादा समय नहीं लगा, हमारे पास यहाँ हमारे जो लीगल ऑफिसर हैं उनको दिखाने के बाद अगर वो समझेंगे ठीक है तो इसको हम उसके पश्चात कोई कार्रवाई करेंगे। क्या निशर्त है ये जो इस्तीफा दिया है, उसकी लैंग्वेज निशर्त? देखिए, मुझे तो जो इन्होंने इस रेजिग्नेशन के अंदर जो लैंग्वेज लगी लिखी है वो तो मुझे तो ठीक लगती है, लेकिन लीगली एग्जामिन कराना मेरा बहुत जरूरी है। पर ये आप दिया है इन्होंने नहीं, हाँ इसमें कोई वो नहीं है। वैसे तो ये है कि जब स्वयं कोई भी विधायक आकर के अपना रेजिग्नेशन देता है तो उसके अंदर कोई संशय नहीं रहता, लेकिन फिर भी लैंग्वेज जो लीगली एग्जामिन कराना बहुत जरूरी है। आज हो जाएगा शाम तक। इस्तीफे के बाद कुलदीप बिश्नोई ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनौती दी और कहा कि मैंने उनकी चुनौती स्वीकार कर इस्तीफा दे दिया है, अब हुड्डा साहब मेरे या मेरे बेटे के खिलाफ आदमपुर से चुनाव लड़े, ये मेरी चुनौती है।
इससे पहले कुलदीप ने ट्वीट किया कि मुसाफिर कल भी था, मुसाफिर आज भी हूँ, कल अपनों की तलाश में था, आज अपनी तलाश में हूँ। हिसार जिले के आदमपुर विधानसभा सीट से 2019 में कांग्रेस विधायक बने कुलदीप बिश्नोई 4 अगस्त को बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हाल ही में कुलदीप ने आदमपुर में समर्थकों के बीच इसका ऐलान किया था और उन्होंने 6 साल बाद कांग्रेस को अलविदा कह दिया और विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया है। अब कुलदीप बिश्नोई का इस्तीफा के बाद आदमपुर सीट खाली हो जाएगी। चुनाव आयोग को यहाँ 6 माह में उपचुनाव कराना होगा, लेकिन बीजेपी के टिकट को लेकर सोनाली फोगाट बिश्नोई परिवार को वॉकओवर देने के मूड में नहीं है। हालांकि कुलदीप ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। कुलदीप बिश्नोई की निगाहें आदमपुर के साथ हिसार लोकसभा सीट पर भी टिकी हैं, लेकिन यहां भी सीट की जंग आसान नहीं है। यहां से सांसद ब्रजेंद्र सिंह दिग्गज जाट नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं। वीरेंद्र ने अपने बेटे की राजनीति के लिए ही खुद सियासत से संन्यास लिया है। ब्रजेंद्र सिंह भी आईएएस की नौकरी छोड़ राजनीति में आए हैं। ऐसे में आने वाले समय में कुलदीप को बीजेपी में खुद को स्थापित करने के लिए बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। आपको बता दें कि कुलदीप बिश्नोई हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते थे। आलाकमान से उन्हें उम्मीद थी, लेकिन पार्टी ने अप्रैल महीने में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक पूर्व विधायक उदय भान को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। इससे कुलदीप नाराज हो गए। उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात का समय मांगा, जो नहीं मिला। इसे नाराजगी इतनी बढ़ी कि कुलदीप ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के बजाय निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा को वोट दे दिया। इससे उनकी नजदीकियां बीजेपी से और बढ़ी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा सीएम मनोहर लाल के साथ उनकी अनेक बैठकें हुई और यहीं से बीजेपी में जाने का मार्ग खुला। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।